बहुत सारी कैंसिल है, जहाँ तहाँ का भी, जहाँ जहाँ पानी जम जा रही बस स्टैंड में, वहाँ की गाड़ी कैंसिल हो जा रही है। जो गाड़ी स्टैंड घुस रही है तो दोबारा निकल नहीं पा रही है, कमर से भी ऊपर पानी है। रांची से 10-15 गाड़ी चलती है एसी नॉन एसी मिला के, और जो स्टैंड में है गिना चुना, कल भी देखिए दो एक गाड़ी गई रांची के लिए, मतलब पटना के लिए। नॉन एसी में एक गाड़ी गई, एसी में 3 गाड़ी गई, मतलब टोटल 4 ही गाड़ी जा पाई, जहाँ चलती है 15-20 गाड़ी। हाँ हाँ, जो रिक्स ले रहा वो भी, और जो नहीं भी रिक्स ले रहा वो भी बुक कर रहा है, मगर शाम में इसको उसको पलटी दे दे रहा है। जो पाटलिपुत्र एक्सप्रेस है जो हटिया से पटना जाता है, वो 28 तारीख को यहाँ से जो गई थी उसको फतुहा जो लगभग 17 किलोमीटर हमारा पटना जंक्शन से पड़ता है, उसको वहाँ पे शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ की स्थिति अच्छी नहीं थी वहाँ पे, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये कदम निर्णय लिया गया था। और साथ ही जो 29 तारीख को जो ट्रेन वहाँ से चली थी पटना से, जो जिसे रांची आना था, हटिया आना था पाटलिपुत्र को, वो भी फतुहा से ही ओरिजिनेट कराई गई थी। लेकिन चूंकि बाढ़ की स्थिति में आगे कुछ सुधार हुआ नहीं ज़्यादा वहाँ पर, तो 29 तारीख को जो ट्रेन पाटलिपुत्र हटिया से चलनी थी, और जो 30 तारीख को आज जो ट्रेन वहाँ से चलेगी, ये दोनों भी ट्रेनें कैंसिल रखी गई हैं। इसके अलावा जो 18634 ट्रेन है रांची से पटना के लिए, जिसका जो कि 28 तारीख को चलना था, उसको भी शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, उसको भी शॉर्ट टर्मिनेट किया है, परसा टोली में शॉर्ट टर्मिनेट कर किया गया है, और वहीं से वो ओरिजिनेट होगी 29 तारीख को।